Hey, what is up guys, this is Anmol back again with a new video. And guys, आप में से काफी लोग जो है वो पूछते रहते हैं कि मेरे को PlayStation ज्यादा पसंद क्यों है Xbox One से. So, मैं इस वीडियो में आपको 8 reasons देने वाला हूँ कि PS4 Pro लेनी चाहिए आपको ना कि के Xbox One X. So, इस वीडियो को पूरा देखना है 8 reasons जानने के लिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाना. तो फटाफट से लगाओ सीट बेल्ट, चलते हैं और क्या. So, guys, जो सबसे पहला और मेजर रीजन है वो है प्राइसिंग को लेकर. तो जब ये दोनों कंसोल्स जब लॉन्च हुए थे तो उस वक्त इन दोनों के कंसोल के काफी ज्यादा प्राइसेस में फर्क थे. अभी भी फर्क है लेकिन इतने नहीं है. अभी जो PlayStation 4 Pro है वो आपको मिल रहा है 38,500 का, और जो आपको Xbox One X मिल रहा है वो मिल रहा है 41,000 का. सो दोनों के प्राइस आप Amazon पे चेक कर सकते हो, लोकल मार्केट से भी लगभग 2,500-3,000 रुपए का फर्क है दोनों में. तो प्राइसिंग थोड़ी सी Xbox की ज्यादा है और PS4 Pro की कम है. जो सेकंड रीजन है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रीजन है. अब देखो, आप मतलब अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज जाओगे तो Xbox One X है वो ज्यादा पावरफुल मशीन है PS4 Pro से. लेकिन आप अगर किसी इंसान से पूछोगे जिसके पास दोनों कंसोल हो, जो Xbox One X भी और PS4 Pro भी, तो वो आपको यही बताएगा कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों के जो ग्राफिक्स और दोनों की परफॉर्मेंस है वो लगभग बिल्कुल इक्वल है. थोड़ा हल्का फुल्का फर्क आता है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है देखने में. और खास करके अगर आपके पास 4K टीवी ही नहीं है तो दोनों का मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो आप पता लगा ही नहीं पाओगे. तो अगर आपके पास 4K टीवी है तो आपको 19-20 का फर्क दिखेगा दोनों में. सो खेलने के मामले में इतना फर्क नहीं दिखता है. सो ये सेकंड रीजन है कि आपको PS4 Pro खरीदना चाहिए. थर्ड जो हमारा रीजन है इसमें वो है इंटरफेस को लेके. जो PlayStation 4 का इंटरफेस है या फिर किसी भी अदर PS कंसोल का, वो काफी ज्यादा उसका UI जो है वो सिंपल और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है. जबकि हम कंपेयर करें अगर Xbox से तो काफी ज्यादा अजीब सा UI है. मेरे को भी काफी अजीब लगता है और काफी लोगों को भी अजीब लगता है, क्योंकि पूरे के पूरे UI में आपको एड्स जो मार्केटिंग वगैरह देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा अनोइंग हो जाता है. सो PS का जो UI है वो बेस्ट है दोनों कंसोल्स में से. तो ये एक और ये रीजन है आप जो है वो PS4 Pro खरीद सकते हो. गाइस, फोर्थ रीजन है वर्चुअल रियलिटी को लेकर, जो कि कहते हैं हम VR. सो अभी जितने भी कंसोल्स हैं उन सब में से बस एक PlayStation ही है जो VR के साथ निकला है मार्केट में, और Xbox में अभी तक VR जैसा कोई भी फीचर नहीं आया या फिर एक्सेसरीज नहीं आई है. तो अगर आपको VR का यानी कि वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस करना है तो आपके पास एक PlayStation 4 होना जरूरी है, और Xbox में आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो. सो गाइस, इसी के साथ बात करते हैं फिफ्थ रीजन की, जो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है एक्सक्लूसिव गेम्स को लेकर. जो PlayStation के एक्सक्लूसिव है वो काफी ज्यादा बढ़िया है. अगर आप किसी भी गेमर से पूछोगे तो उनको PlayStation के एक्सक्लूसिव ही ज्यादा पसंद आएंगे. Xbox के भी है एक्सक्लूसिव मैं मानता हूँ, लेकिन इतने खास नहीं है जितने कि PlayStation के, जैसे कि God of War, Uncharted और Last of Us. तो ये काफ़ी ऐसी सीरीज है जो मतलब कि PlayStation को खरीदने पे मजबूर कर देती है लोगों को. तो एक और रीजन हो सकता है कि आपको PlayStation 4 Pro खरीदना चाहिए. सो गाइज, हमारा जो सिक्स रीजन है वो भी गेम्स को लेकर ही है. अगर आपके पास एक मिड रेंज PC है अच्छा खासा, मतलब मिड रेंज बजट PC हो 30-40-40 हज़ार वाला, तो जितनी भी Xbox की गेम्स है वो सब आपको PC में खेलने को मिल जाएगी, चाहे वो जितने मर्जी एक्सक्लूसिव हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी है PC के लिए भी. तो उनकी सारी Xbox की गेम आप PC में भी खेल सकते हो, लेकिन PlayStation की गेम्स के साथ ऐसा नहीं है, आप वो PC में नहीं खेल सकते. तो एक और ये रीजन है आपको PlayStation 4 Pro खरीदना चाहिए अगर आपके पास एक मिड रेंज PC है तो ही. अगर आपके पास मिड रेंज PC नहीं है तो आप Xbox भी कंसीडर कर सकते हो. बाकी रीजंस आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है उसके बाद. तो इसी के साथ बढ़ते हैं सेवंथ रीजन की तरफ, जो कि के फिर से गेम्स के बारे में ही है. तो अपकमिंग गेम्स है जो ज्यादा बेटर आपको जो लाइब्रेरी मिलेगी गेम्स की, वो PlayStation 4 Pro में ही मिलेगी आने वाले टाइम पे. स्पाइडरमैन जैसी गेम्स आपको मिलेगी PlayStation में, Xbox में आपको नहीं मिलेगी काफी सारी गेम्स. सो फ्यूचर लाइब्रेरी की बात करें तो PlayStation 4 Pro ही बेस्ट है लेने के लिए. एक और रीजन ये हमारी लिस्ट में ऐड हो जाता है. सो गाइस, फाइनली लास्ट रीजन की बात करते हैं. अब ये जो रीजन है काफी लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, काफी लोग करेंगे. तो ये मेरा अपना पर्सनल जो है रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि क्या है, ब्रांड नेम. सो एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट मुझे ज़्यादा पसंद सोनी है. सोनी मेरे को ज़्यादा रिलायबल रखता है और मतलब मेरे को भरोसा है काफ़ी ज़्यादा सोनी पे. अब ये तो सबकी अपनी मतलब मैंटेलिटी की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है. तो ये रीज़न हम इस लिस्ट में ना ही इंक्लूड करें तो ठीक है. बाकी आप मेरे अगर मतलब मेरा सजेशन लेना चाहते हो तो ये रीज़न भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न मैटर करता है इस गेमिंग कंसोल्स के कंपैरिजन में. सो गाइस, ये थी आज की ये वीडियो पूरी की पूरी 8 रीजंस की आपको PS4 Pro खरीदना चाहिए एज कम्पेयर टू Xbox One X. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना. और यार, मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था आज सुबह से, मैं कहीं गया हुआ था. सो हो सकता है ये वीडियो जो है वो थोड़ी लेट अपलोड हो रही हो, या हो भी सकता है टाइम पे हो गई अगर मैं रात भर उठ के एडिटिंग कर रहा हूँ. सो इस वीडियो को इतना ही था. आई होप आपको पसंद आई. पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा. और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह के और एक्साइटिंग वीडियो में. टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका. बाय बाय.